स्टूडेंट्स टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाई यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, द टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स। तो ये हमसे बोल रहा है कि 1 to 9 का यूज करके 1 से लेकर 9 तक की जो हमारे नंबर्स हैं उनका यूज करके हम कैसे थ्री डिजिट नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं, कितने तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, थ्री डिजिट नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए जो नंबर हमें चूज करने वो कहां से कहां तक है, ये है हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और देखिए थ्री डिजिट नंबर हमें चाहिए और कोई भी नंबर हमें रिपीट नहीं करना है। तो देखिए हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं जिनको हम चूज कर सकते हैं, वो हमारे पास 9 है। अच्छा कितने डिजिट का नंबर चाहिए, कितने डिजिट का नंबर चाहिए, तो R=3। तो सिंपल हम जो परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला होता है NPR, इसका हम यहां पर यूज करेंगे। और नहीं तो इस क्वेश्चन को आप वैसे भी कर सकते हैं जैसे हमने 7.1 के जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं, उस तरीकों से भी हम इस उस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो NPR हो गया, जहां पर N की वैल्यू क्या है, 9 है। कितने को चूज करना है, 3 को चूज करना है। ठीक है, 9 में से 3 को चूज करना है, 3 को चूज करना है क्योंकि हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए। ओके, और NPR का बच्चों फॉर्मूला होता है N·N-R·। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, ये आपका 9·9·3। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9·6·। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 9 × 8 × 7 और ये आपका 6·6·। तो 6 हमारा कट जाएगा। अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, 72 × 7। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 504 वेज हो जाएगा। तो कितने तरीके होंगे थ्री डिजिट नंबर के को चूज करने के, 504 तरीके होंगे, 504 वेज होंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।